हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पे हो रहा है दोपहर का टाइम, और आज सुबह से मैं किचन क्लीन कर रही थी क्योंकि यहाँ पे आने वाले हैं कल पेस्ट कंट्रोल के लिए, कल मॉर्निंग में। तो पूरा किचन क्लीन करके रखना होता है, सिंक के नीचे वाले कैबिनेट में कुछ नहीं होना चाहिए, और पूरे स्लैब पे, प्लेटफॉर्म पे, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए गैस के, क्योंकि उन लोग दवा का छिड़काव करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे घर उड़न के होते हैं तो कीड़े मकोड़े लगने का वो रहता है, तो बीच बीच में पेस्ट कंट्रोल वाले आते रहते हैं। तो उसके लिए पूरा किचन अच्छे से क्लीन होना चाहिए, नहीं तो फिर फाइन लगा देते हैं अच्छा खासा। तो आज सुबह से मैं वो क्लीन कर रही थी, इसलिए दोपहर में भी कुछ ऐसा कुकिंग नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बर्तन जूठा हो, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीन की हूँ किचन, नहीं तो फिर ज़्यादा कुकिंग करूँगी तो फिर से उतना फैल जाएगा। और यहाँ पे इसीलिए मैं इंस्टा पॉट में ऐसे ही पुलाव टाइप बना दे रही हूँ। तो उसमें मैंने खड़े मसाले का तड़का दिया है, और प्याज, मिर्ची, जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा डालने के बाद में वही मटर और राइस डाल दिए, और इंस्टा पॉट ऑन कर दी हूँ। सारा किचन देखिए अच्छे से क्लीन हो गया है। नीचे का फर्श शायद अभी तक मैं क्लीन नहीं की हूँ, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद मैं इंस्टा पॉट में होता रहेगा, तब तक मैं जा रही हूँ शॉवर लेके आती हूँ। भगवान जी के सामने दिया वगैरह अभी नहीं जलाया, काफ़ी लेट हो गया आज नहाने में, क्योंकि आज सुबह से सोचा क्लीन कर लेती हूँ फिर मैं जाती हूँ शॉवर लेके आती हूँ। तो बस इंस्टा पॉट में लगा दिया है वो, हम मतलब जब तक मैं नहाई पूजा की तब तक ये हो गया था, अपने आप होके बंद हो जाता है। इसमें यही अच्छा रहता है कि आप लगा के चले जाओ, अगर बाहर भी लगा के चले जाओ ना तो वार्म भी रहेगा, ये कुक होके बन जाएगा और गर्म भी रहेगा, मतलब जब तक हम लोग ना खोले इसको। और बस अचार के साथ थोड़ा थोड़ा ले लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। शाम का खाना फिर रात में बाहर से ले लेंगे, नहीं तो रात में फिर कुकिंग करेंगे ना तो पूरा गैस वगैरह फिर से क्लीन करना पड़ेगा। और उन लोग एकदम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में ही आते हैं कि सुबह उठ के मैं बना के अच्छे से क्लीन करके रख लूँ, वैसा नहीं हो पाता है। तो बस जो भी खाना यहाँ पे बचा हुआ था उसको मैं डब्बे में पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम ही आते हैं ना, तो फिर एक दो घंटे बाद ही किचन यूज़ कर पाते हैं, तो मॉर्निंग पे वो हम लोग का नाश्ता हो जाएगा जो भी बचा रहेगा। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किया और फिर उसके बाद सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी किचन का काम करते करते। और अभी उठी हूँ, दोपहर का टाइम, मतलब चाय का टाइम हो रहा है, सॉरी दोपहर का नहीं। और कुछ कपड़े ऐसे मुझे अभी स्टिच करने थे, और ये कपड़े मैं लेके आई थी जब यहाँ पे मेला लगा था ना, मैंने उसका वीडियो डाल रखा है, उस मेले में से मैंने ये दो फैब्रिक लिया था, ये दोनों अच्छा लग रहा था तो ये दोनों लेके रखा था, और काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। और अभी एक मैं हाल फिलहाल ड्रेस लेके आई थी, तो मुझे लगा वो ड्रेस तो रिटर्न कर दी, वीडियो शूट की हूँ आगे मैं ऐड कर दूँगी वो, मतलब जो ड्रेस रेडीमेड लेके आई थी, तो मुझे लगा कि वो ऐसा ड्रेस तो मैं घर पर भी बना लूँगी और मेरे पास कपड़े भी अभी हैं, तो इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया, वीडियोस बना के उसका रख लिया था कि इसी टाइप का मैं बना लूँगी। लेकिन उसके बाद जब मैं अपना फैब्रिक देखी ना, तो फैब्रिक थोड़ा छोटा था और पैटर्न मैंने वैसे ही बनाया, तो आज मुझे वो स्टिच करना है, मतलब कट करना है। तो रात का खाना ना बाहर से ही ले रहे हैं सुबह, जैसे मैंने बताया, तो रात में क्या टाइम मुझे टाइम मिलेगा, तो मुझे लगा चलो कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ और फिर रात में लगेगा तो थोड़ा बहुत स्टिच करूँगी, नहीं तो कल कर लूँगी। तो बस वही मैं कपड़ा वगैरह बाहर निकाल के आई हूँ, चाय शाम का बना ली हूँ और अभी बाहर निकलेंगे। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है रात में खाने के लिए, और कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं या बाहर जाएं खाने, तो बाहर खाने का मन नहीं हो रहा था, बस पिज़्ज़ा अभी पिकअप करने ही जा रहे हैं, पिकअप करके आते हैं तो फिर रात का वही खाना हो जाएगा, रात में ऐसा कुछ काम नहीं है। और यहाँ पे बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने कान में लगाया, और आते टाइम ना कचरा भी किचन वगैरह का निकला हुआ था बहुत सारा, तो मुझे लगा कि नीचे चल ही रहे हैं तो फेंक देते हैं। आज रात का बस डिनर यही रहेगा, तो बस डिनर करने के बाद में वही चाय का बर्तन है और ये प्लेट है, बस वही क्लीन करना रहेगा, ज़्यादा कुछ क्लीनिंग का काम नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद मैं वही ड्रेस कट करने के लिए बैठूंगी, कपड़ा वगैरह लेके, कैंची वगैरह लेके सब बैठूंगी, कि रात में ऐसा कुछ काम नहीं है ना, तो मैंने सोचा चलो वही काम कर लेते हैं। और जो रेडीमेड ड्रेस लेके आई थी वो भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया था, बस वीडियोज़ बना के रखा था कि अपने लिए रहेगा। तो ये है वो ड्रेस जो मैंने मतलब लेके आई थी, रिटर्न कर दी थी इसको, और ये बहुत नॉर्मल ड्रेस है, बट इसका फैब्रिक अलग है, जो मेरे पास फैब्रिक है वो अलग है और मेरी
फैब्रिक ना बहुत कम थी, मतलब मुझे लगा देख के कि हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसको लेके बैठी तो मुझे लगा थोड़ा सा कम है, अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो इसका जो फ्लेयर होता है ना और अच्छे से आता, लेकिन फिर भी ड्रेस बन गई थी। तो बस मैंने एक अपना मतलब डेली यूज़ जो ड्रेस करती हूँ उसका नाप ली, जो फिटिंग अच्छी आती है जिसकी, बस यहाँ पे वही कट कर रही हूँ, और जितना भी स्टिच हो पाएगा उतना मैं आज करूँगी, नहीं तो फिर कल के वीडियो में लास्ट तक मैं शेयर की हूँ कल, मतलब ये तो नाइट हो गया, जब तक लगेगा तब तक टीवी देखते देखते ऐसे स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे कटिंग वगैरह हो गई है, तो उसमें मैंने रेडीमेड जो आपने देखा उसमें तीन ऐसे फ्लेयर थे, तो मैंने तीन इसमें भी ऐसे कट किए हैं छोटा बड़ा करके, मतलब पहले वाला भाग थोड़ा रहे, फिर उससे बड़ा दूसरा वाला भाग, फिर उससे बड़ा तीसरा वाला पार्ट, ऐसे करके मैंने कट करके रख लिया है। और अभी मैं टीवी देखते देखते थोड़ा बहुत स्टिच करूँगी और फिर उसके बाद कल करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पे हो गया है, अगले दिन का आफ्टरनून टाइम हो रहा है, मॉर्निंग टाइम नहीं हो रहा है, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, और मैं जा रही थी लंच बनाने, मुझे लगा लंच बना लेती हूँ फिर उसके बाद मैं आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ। तो कल रात में मैंने जितना बना के रखा था ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद दोपहर का खाना बनाना है, खाना वाना बनाने के बाद मैं बैठूँगी ना तो फिर पूरा फुल स्टिच कर दूँगी, नहीं तो फिर ये छोटा ही रह जाएगा ऐसे। तो नीचे का जो फ्लेयर था ना स्कर्ट टाइप वो बन गया है, बस ऊपर का पार्ट मुझे बनाना है, कटिंग वगैरह तो करके रखा ही, बस स्टिच करना है, मशीन लेके बैठूंगी। और ये जो फ्लेयर मैंने बनाया है ना वो अभी सुई का ही काम किया है, मतलब मशीन का काम अभी नहीं किया है अभी बस। तो यहाँ पे ऊपर का भाग मैंने कट किया है और अभी हाथ वगैरह नहीं निकाला है, मतलब बाजू नहीं निकाला है, क्योंकि कपड़े बहुत कम हैं, तो फिर मुझे लगा पहले ये ऊपर का पार्ट सी लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कैसा होता है, अगर सीबलेस चल गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कपड़ा बचा है मुझे उसमें भी कट करके, मतलब बीच में कपड़े जोड़ के उसका बाजू निकालना होगा। तो मुझे लगा चलो पहले खाना बना लेती हूँ फिर उसको बैठ के करती हूँ, नहीं तो बीच बीच में उठना पड़ेगा, और खाने का भी टाइम हो गया था। तो खाने में आज मैं पनडुब्बी बना रही हूँ जो चने की दाल वाली बनती है, तो चने थोड़ी देर पहले मैंने सोख करके रख दिया था, उसमें थोड़ा सा लहसुन मिर्ची डाल के मैं अच्छे से पीस लूँगी और उसमें फिर नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और आटा गुथा हुआ रखा था, आटा लगाना नहीं था, और ये बहुत जल्दी बन जाता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, और सब्जी वगैरह भी ख़त्म हुई है तो अभी वीकेंड आने वाला है तो फिर सब्जी वगैरह ले लेंगे। और ये वीडियो आई थिंक फ्राइडे की है, हाँ फ्राइडे की है, और उसके बाद बस आटे की छोटी छोटी ऐसे रोटियाँ जैसे बनती है वो बनाना, और बीच में वही दाल वाली जो पिट्ठी होती है वो डाल के, और चारों तरफ पानी लगाएंगे ना तो ऐसे सील हो जाएगा आराम से, फिर निकलेगा नहीं। और उधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने पानी नमक और थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से उसमें एक उबाल आ जाए, फिर उसके बाद एक एक करके ऐसे ही बना के और जितना आपको लगे आप बना सकते हो, मैंने तीन या चार बनाया, शायद चार मैंने बनाया है, और फिर उसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे देखिए खौलते पानी में डालिए, एकदम उबलता पानी रहे ना तभी, नहीं तो फिर ये नीचे से चिपकने लगेगा। बस यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे और ये अपने आप मतलब 15-20 मिनट लगेगा शायद हो जाएगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा जब आटा थोड़ा कड़ा हो गया, पकने जैसा लगने लगे तो बंद कर दीजिए उसको। बस यहाँ पे सारे ये तड़का निकाल लिया है और ये सारे मसाले मैंने निकाल लिए जो भी मुझे डालना है, अभी ये पूरा पक जाएगा अच्छी तरह से निकाल लूँगी, ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसको कट करूँगी। तो यहाँ पे मैं वही चेक कर रही थी, और आप बीच बीच में इसको पलट भी सकते हैं तो फिर दोनों साइड से जल्दी पक जाएगा। तो अभी मैं देख रही थी कि पका हो तो मैं बंद कर दूँ, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा था कि और इसको स्टीम करना है इसलिए मैं ढक दी, और थोड़ी देर बाद अब मैं खोलूँगी तो ये हो गया रहेगा। बस यहाँ पे एक बर्तन में मैं निकाल ले रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, और उसके बाद मैं कट करूँगी, मतलब पीसेज में इसको कट कर लूँगी, और ठंडा होने के बाद कट करिए, नहीं तो गर्म होने में ना फिर अंदर से मतलब गीला गीला ही रह जाता है, हार्ड नहीं हो पाता, मतलब पक नहीं पाता है। थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी मैं, थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैं कट कर ली हूँ। अब उसी कढ़ाई में खाली करके, मतलब पानी उसका हटा के, थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी ले लीजिए, उसमें मैंने हींग, राई, जीरा, मिर्ची, करी पत्ता, ये सब का तड़का देने के बाद में जो वही पीसेस मैं कट की थी उसको डाल दूंगी। और इसमें ऊपर आप चाट मसाला, एक दही की ग्रेवी वाली बनती है बट अभी मैं वो नहीं बना रही हूँ, कभी बनाऊँगी तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और अमचूर पाउडर थोड़ा सा, ये सब डालने के बाद में अच्छे से एकदम फ्राई कर दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस वो सब खाना खाने के बाद में ना यहाँ पे मैं अब बैठी हूँ अपना स्टिच करूँगी।
तो यहाँ पर इतना स्टिच कर ली हूँ। अब मैं उठती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अभी चाय वगैरह का टाइम हो गया है, चाय बनाऊँगी और रात के लिए खाना वगैरह बनाऊँगी। अब इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस बाजू लगाना है और गले की पट्टी बनानी है। तो रात में मैंने बना दिया था इसको, बाजू भी लगा दिया था खाना वगैरह खाने के बाद में, और गले की पट्टी भी कम्प्लीट कर दी थी। तो मैं डाल के ऐसे ही देख रही थी, तो मुझे लगा चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।